अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई आखिर हम सऊदी अरब के अंदर कितने बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो देखिए भाई ये अगर मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताऊं तो देखिए अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि आप जो है सऊदी अरब के अंदर कितने बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए इसका जवाब आपके पास खुद ही मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देखें कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका काम है, वो कितने बैंक से जो है हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका ज़रूरत, जो आपका सारा काम है, वो अगर एक ही बैंक से, एक ही एटीएम कार्ड से सारा काम हो जा रहा है, तो फिर आपको अपने पास एक बैंक रखना है, यानी आपको अपने पास एक एटीएम कार्ड रखना है एक ही बैंक में, यानी आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि आपका सारा काम एक ही बैंक से हो जा रहा है, तो फिर हमको ज़्यादा एटीएम कार्ड रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सारा काम एक ही बैंक से हो जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपका काम ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत जो है नहीं पूरी हो पा रही एक बैंक से, एक एटीएम कार्ड से, तो फिर भाई आप जो है एक से ज़्यादा, यानी 2, 3, 4 बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 2-4 एटीएम कार्ड भी आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे हिसाब से हम लोग सऊदी अरब के अंदर इसलिए अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ताकि जो हमारा कंपनी है, जो हमारा कपिल है, वो लोग जो है हमारे बैंक में, ये हमारे अकाउंट में सैलरी वगैरह ट्रांसफ़र कर दें, ताकि हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाए और उसमें जो है सेव रहे, जब हमको अपने मुल्क में पैसा ट्रांसफ़र करना हो, ताकि हम जो है अपने मुल्क में इजली पैसा ट्रांसफ़र कर दें। इसलिए जो है मेरे हिसाब से हम लोग वहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं। लेकिन अगर आपका जो है ज़रूरत एक बैंकों से नहीं हो पा रही, एक एटीएम से नहीं हो पा रही, तो फिर आप जो है एक से ज़्यादा भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि देखिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो भाई हर बैंक में तो आप जो है पैसा वगैरह रख नहीं सकते हो, क्योंकि इतना तो हमारी वहाँ पर तनख्वाह वगैरह नहीं होती है। लेकिन अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप बिंदास ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि देखिए, मैं भी काफ़ी बैंकों में वहाँ पर अकाउंट ओपन किया है, तकरीबन 10 से 12 बैंकों में वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन किया था। अब जैसे कि देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आखिर आप जो है वहाँ पर इतना अकाउंट ओपन क्यों किए, तो देखिए भाई मैं जो है इतना अकाउंट वहाँ पर ओपन इसलिए कर लिया। अब जैसे कि देखिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाता था, जब जो है लोग डिमांड कर देते थे, काफ़ी अगर डिमांड हो जाता था कि भाई हम जो है इस बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन करें, तो इसलिए जो है हमको वीडियो बनाने के लिए जो है हमको कोई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता था। तो ऐसे ऐसे करके जो है मैं वहाँ पर काफ़ी बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ यूज जो है एक ही बैंक को करता था। अब आप जो है एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लें, अब जैसे कि अभी देखिए, मेरे हिसाब से बैंक में जा करके, यानी बैंक से जो है काफ़ी कम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते होंगे अपने मुल्क अपने घर। मेरे हिसाब से ज़्यादा तक लोग जो है STC पे या फिर फ्रेंडली पे या फिर यूर पे से पैसे ट्रांसफ़र करते होंगे, क्योंकि ये सब जो है ट्रांसफ़र फीस भी काफ़ी कम लेता है बैंकों से और रेट भी काफ़ी अच्छा दे देता है। तो इसीलिए आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप जो है सऊदी अरब के अंदर किसी भी एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर ले, और जब आप अपने मुल्क पैसे ट्रांसफ़र करने लगे तो आप जो है STC पे या फिर यूर पे या फिर फ्रेंडी पे या फिर जो है वेस्टर्न यूनियन या फिर जो है इंजाज, किसी भी ऐप को ओपन करके आप जो है वहाँ पर रेट चेक कर लें कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा रेट दे रहा है। जो सबसे ज़्यादा रेट दे, आप जो है उसी ऐप से जो है अपने मुल्क अपने घर पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी हम जो है इस तरीके से हमको नहीं करना है, यानी हमको जो है रेट के लिए जो है अगर 2-4 पैसा कोई अगर बैंक रेट ज़्यादा दे रहा है, तो हमको जो वो बैंक में जा करके अकाउंट अपना डायरेक्ट नहीं ओपन कर लेना है, क्योंकि एक बार तो वो रेट ज़्यादा दे देगा, हो सकता है कि बाद में वो फिर कम दे दे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप जो है अपना एक बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, और जो है पैसा जब आप ट्रांसफ़र करने लगे तो आप जो है STC पे, यूर पे, फ्रेंडी पे में जा करके आप चेक करके जो इसमें से सबसे ज़्यादा रेट देता हो, यहाँ से जो है आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा।